चाट के बारे में? अभी बहुत मजे की ऐसी चाट हमारे मोहल्ले में नहीं मिली। बहुत अच्छी लगी, लोग बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो जरा केचप जिनको ज्यादा पसंद है ना भाई, उनके लिए तो ये मतलब लाजवाब है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज क्रेजी, और मैं आपका दोस्त मोहम्मद दानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? मैं आपका मेजबान उस्ताम आपकी खिदमत में हाजिर है। और भाई जो हमारे व्यूअर्स रोज हमें देखते हैं वो जानते होंगे कि हमने अब तक कोई चार्ट एक्सप्लोर नहीं करी है। उसकी वजह ये है कि हम आप लोगों के लिए कोई ऐसी चार्ट लाना चाहते थे जो बिल्कुल अलग हो, मुख्तलिफ हो। और हम जो आपके लिए ऐसी चार्ट ढूंढ कर लेके आए जिसका नाम है कादरी चार्ट। इसको बनाने का तरीका बहुत यूनिक है और जायका भी इसका बहुत आला है। बाकी हम टेस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे, बाकी लोकेशन और चीजें बताएंगे। दोस्तों ये जो चार्ट है, ये चार्ट के अंदर इतने किस्म के आइटम डलते हैं जितने तो मुझे भी नाम में भी याद नहीं है। लेकिन ये चार्ट बनने के बाद जो तैयार होकर लुक आता है इसका, ये बिल्कुल ही अलग होता है। और आज हम आए हुए हैं जुड़िया बाजार के अंदर, पुरानी गलियों के अंदर, और हमारा चटपटा खाने का मूड हो रहा था चार्ट का। हमने कहा जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ आप लोगों को भी दिखाएं ताकि वो अच्छा लगेगा। चार्टे तो बहुत हैं लेकिन क्या ये चार्ट बिल्कुल अलग है और मुनफरिद है। तो दोस्तों वीडियो में जो है शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है, पूरा प्रोसेस करते हैं और भाई से बात करके भी आप लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चलती है, कब से लगाते हैं। तो सामान शुरू करें, लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं कादरी चाट के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? का शुक्र, नासिर नाम है। नासिर भाई, हमने काफी जगह वो चाटे खाई हैं लेकिन ये उन चाटों से काफी मुख्तलिफ है, तो ये सब क्या क्या इसमें क्या क्या चीज है आपके पास? हमारे पास बहुत सारे आइटम है भाई। बाकी जगह पे जैसे व्हाइट छोले होते हैं आपके पास, ये ब्लैक छोले हैं और ये अलग अलग चटनी है आपके पास, ये किन चीजों की चटनी बनी हुई है? हमारे पास ब्लैक चने बिकते हैं, व्हाइट चने बिकते भी नहीं है। अच्छा, और ब्लैक चने आपको हर जगह ऐसे नहीं मिलेंगे, ये कड़ी वाले चने होते हैं। ये कड़ी वाले चने मतलब सालन वाले जो चने होते हैं, कड़ी होती है, ये बुने हुए चने होते हैं। अच्छा, और ये चटनियां कौन कौन सी है? चटनी हमारे पास रेंदे बना रहा हूँ, चटनी हमारे पास खटाई है, मीठी चटनी है। अच्छा, स्पाइसी वाली चटनी है, ये तीनों चटनी ऐड होती है। चटनी है। और सर ये दाल सेव क्या सीन है? दाल सेव तो पहली बार देखा हमने चाट के अंदर। दाल सेव तो हम शुरू से दाल सेव डालते हैं। अच्छा, ये दाल सेव पापड़ी दोनों चीजें ऐड होती है? दाल सेव और पापड़ी दोनों होते। तो क्या प्राइस है सर प्लेट के? प्लेट के अभी 100 रूपए और 150 रूपए। 100 150। पार्सल का भी इंतजाम आता है आपके पास? पार्सल का भी इंतजाम। अच्छा सर, अगर कोई आना चाहे तो लोकेशन क्या है यहाँ की? एग्जिट लोकेशन ये है पान मंडी, जियान चाय वाला जी, जियान चाय के बिल्कुल आगे हम लोग। ठीक है। सो गाइस, देखा भी आपने, जैसा हमने आपकी यहाँ की लोकेशन वगैरह सब बता दिया, उनकी चाट भी काफी यूनिक है, दाल से वगैरह भाई, क्योंकि आम चाट में तो हमने नहीं देखी है सर दाल से वगैरह दलते हुए, लेकिन एक ये यूनिक है, आप खा के देखेंगे। दिखने में तो भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारा सेटअप जो है, अब ये सब चीजें एक प्लेट में जब जमा होंगे ना, उसके बाद हम जो टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो सर हमारे लिए भी सर प्लेटें बना दिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने डाले आलू, ये आलू वाले मसाले वाले आलू होते हैं? हाँ, मसाले वाले आलू। अच्छा भाई, इनकी हर चीज माशाल्लाह जो है ना चटनी से भरी हुई है, कोई भी सादी कुछ भी नहीं डालना है। ये दाल से हुए सही, ये दाल पे हुए, और ये पापड़ी है भाई, दाल से को पापड़ी ककड़ ककड़ हो जाएगा। और ये एक प्लेट में पापड़ी कोई दो नहीं डालता, हम दो डालते हैं। अरे भाई बाकी ये यूनिक है, एक प्लेट में एक ही पापड़ी देखी भले आप जहाँ भी खा लो, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह दो दो पापड़ी दो ही डालते हैं हम लोग भाई, एक प्लेट माशाल्लाह। और जबकि इनकी जो पापड़ी भी बड़ी है इनकी माशाल्लाह। आप क्या ऐड कर रहे हैं सर? बेटा ये चने, ये चने जो भाई ने बताया था कड़ी के सालन वाले चने, भुने हुए होते हैं। तो सर कितने आइटम डालते हैं टोटल? गिनती करो कितने हो गए अभी तक? अभी कितने हो गए? तीन हो गए, चार हो गए।
भाई गाइस जरा आप भी जरा काउंटिंग करते जाइए कितने आइटम डल रहे हैं। ये कौन सी चटनी है? ये खट्टी है, मैं भाई खोल के दो। ये खट्टी चटनी डल ली है। हाँ खट्टी चटनी भाई बहुत अच्छी लग रही है दिखने में तो। और ये कौन सी चटनी है? ये मीठी चटनी है। ये मीठी खट्टा मीठा होने वाला भाई, खट्टा मीठा जो सुना है ना वाकई ये मैच हो रहा है इस पे खट्टा मीठा। और अब ये कौन सी है सर? ये स्पाइसी वाली। ये स्पाइसी भाई तीनों जायके मिलेंगे, खट्टा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा और स्पाइसी मिलेगा। मतलब हर बंदे के लिए जो खट्टा खाता हो, मीठा खाता हो या स्पाइसी खाता हो। और सर ये हरी चटनी है जी। हाँ अच्छा सर, ये आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी है सुबह 12 बजे से लेके 9 बजे तक। रात 9 बजे तक? रात 9 बजे। अच्छा जी भाई, अब ये सलाद आई है। अच्छा ये पूरे हफ्ते खोलते हैं कोई छुट्टी वगैरह आपकी? हमारी कोई भी छुट्टी नहीं है भाई, कोई भी छुट्टी नहीं है। चलो ये अच्छी बात है यार, जब जो चाहे आगे खा सकता है। चलो अल्लाह और बरकत दे आपके काम में माशाल्लाह। अभी कुछ रह गया क्या? हाँ बहुत अभी तो भाई, भाई, भाई क्या क्या एक प्लेट में क्या क्या आएगा? यही दो। मैं तो सोच रहा थोड़ी जगह बना के मैं ही बैठ जाऊं क्या? भाई पैसा वसूल है वाकई, दिखने में ही पैसा वसूल हो रहा है, खाने की तो बात। सर ये कौन सी चटनी है? ये केचप है। ये केचप है? अब भाई अब देख लो केचप चटनी तीनों चटनियां माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, दिखने में एक यूनिक चीज लग रही है, बाकी खाएंगे तो मजा तो आने वाला है। ये क्या है? ब्राउन प्याज भाई, लो जो पुलाव खाते हैं उनके लिए भी ब्राउन प्याज भी मिल गई यहाँ पे। तो गाइस ये देखें हम लोगों की चाट फुली लोडेड जो है, और चटपटी देखने में तो बड़ी जबरदस्त स्पाइसी लग रही है, उसको देख के मुंह में पानी आ रहा था जब ये तैयार कर रहे थे। भाई क्या कहते हो सामा? भाई देखने में मैंने तो आपको वहीं पे दिखा दिया स्टॉल पे, माशाल्लाह देखने में इतनी अच्छी लग रही है, बाकी तो खा के तो फिर आप बताते हैं हम आपको। बात गाइस मैं आपको बताता चलूं, इतनी चीजें क्वांटिटी के अंदर जो डालनी है, मैंने और चाट भी खाई है जो बाजार वगैरह में आपने देखा होगा, आप अक्सर बाजार पचल बाजारों में जाते खड़े होते हैं चाट वाले, उसमें ये चीजें इतनी चीजें नहीं होती है। ये जो चाट है या बाकी जो है मुंह में पानी आ रहा है, आपको चक्के भी बताते हैं टेस्ट करके। तो सामा पहले भाई आप मारे? मैं मारूं भाई? क्या बात है, बड़े भाई को पहले मौका, पहले हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो भाई गाइस पहले अच्छी तरह इसको चाट को, क्योंकि जितनी तरह की इन्होंने चटनियाँ दही वगैरह डाली हुई है ना, जब तक आप इसको मिक्स नहीं करेंगे ना तो आपको फ्लेवर सारे आएंगे नहीं। तो ये यार माशाल्लाह इतने बहुत अच्छे लगे, लुक बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो जरा केचप जिनको ज्यादा पसंद है ना भाई, उनके लिए तो ये मतलब लाजवाब है बहुत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये है भाई पहली बाइट, देखें आप। क्या कह रही है सामा बताओ जल्दी, सबर नहीं हो रहा। चटनी भाई ने डाली है ना, आप चेक करके देखो सबका टेस्ट आएगा। अच्छा चलें जी गाइस, तो मेरी बारी है, अब मैं खाता हूँ पहला वाला टेस्ट करता हूँ। ये सारी चीजें मैंने जो है मिक्स कर ली इतनी देर में, जब तक सामा रिव्यू दे रहे थे, तो मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चीजें इतनी है, हर चीज को जो है टाइम लगता है मिक्स करने में। आप ये देखें, इसमें आप ये देखें काले चने, आलू, पापड़ी, बहुत सारे आइटम है जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे। तो ये देखें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह। अब भाई मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो खट्टा खाने वाले शौकीन है उनकी तो मौज है भाई, क्योंकि जिस तरीके से ये खट्टी चटपटी और स्पाइसी हो रही है बहुत जबरदस्त हो रही है। मीठा भी बिल्कुल लेवल का है, बहुत ज्यादा मीठा आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि इसमें मीठा डला हुआ है, हर चीज हिसाब से डली हुई है इसमें भाई। और काम तो ये बताइएगा जरा इसकी प्राइस क्या बताए थे भाई ने? भाई ने इसके बताया 100 रुपए प्लेट। ये देखिए 100 रुपए में भाई बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ हमारे दोस्त भी आए हुए जावेद भाई। जावेद भाई क्या हाल है, क्या कहोगे चाट के बारे में? अभी चाट भाई बहुत लाजवाब है माशाल्लाह। हाँ बहुत मजे की ऐसी चाट हमारे मोहल्ले में नहीं मिली यार, हमारे मोहल्ले में। अपने मोहल्ले की ऐसी बात मत करो यार। नहीं बिल्कुल, मैं सुरजानी से यहाँ पे चाट खाने आया। आप मुझे पता है भाई, आप हमारे साथ ही आते हो चाट खाने, वो बहुत अलग चाट है। बाकी चाट को कितने नंबर दोगे 10 में से? ये 10 में से 10 नंबर है। अरे क्या बात है भाई, हमारे जावेद भाई ने 10 में से 10 नंबर दिए। तो भाई दोस्तों हमारे जावेद भाई ने 10 में 10 नंबर दे दिए। और बाकी मैं आपको बताऊँ चाट, एक तो प्राइस इसके बहुत अच्छे है, 100 रुपए अमूमन आप चाट देखिए 150 रुपए प्लेट चल रही है हर जगह पे, लेकिन 100 रुपए में
इतने आइटम डाल के, तो इनके छोले भी सालन में भुने हुए, कड़ी बनी हुई होती है उसमें इन्होंने काले चने भुने हुए, जो टेस्ट उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है यार। ये 100 रुपए बहुत अच्छी चीज है। बताता चलूं जो मेरी नॉलेज में है कि ये मेहमान जो होते हैं, मेहमान लोगों की बहुत पसंदीदा डिश है। यहाँ पर आप मेन जूलिया बाजार खान मंडी पे खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर ज्यादातर मेहमान लोग रहते हैं, तो उनको ये चीज आइटम बहुत पसंद होता है। लेकिन आप भी आए, अगर मेरे जो दोस्त देख रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर आके विजिट करा, वो ट्राई करिए, वो तो जानते हैं उसका टेस्ट कैसा है। लेकिन जो नए हैं वो आके लाजमी यहाँ पर जब आना हो जुड़े उनके किसी काम से, तो लाजमी कादरी चाट हाउस के ऊपर लाजमी आए और ट्राई करें, आपको मजा आएगा। और मजा आए तो लाजमी हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी थी। सोसामा क्या कहते हैं? हम नहीं कहेंगे, अब तक आप अगर जो भी है थोड़ा काट देने यार इसको, मैं कह रहा था। तो भाई अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और बता दूं सामा। ये एक के बाद गाइस मैं एक और खाऊंगा क्योंकि चाट मेरे को बहुत जबरदस्त लग रही है। एक से मेरा मतलब ये जीजा जो है ना फ्री हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको कम लेके आता हूँ, ये फ्री हो जाते हैं बहुत जल्दी यार। वैसे चाट अच्छी है, दो प्लेटें बनती है। मैं कहता हूँ लाते क्यों, जब फ्री करा है तो पूरा चाट जैसी है ना तो दो प्लेटें बनती है। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो बस हम लेंगे आपसे अलविदा, फिर नई किसी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।